क्या हुआ? हाय 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 क्या हुआ क्या? Can you read the goddamn paper? क्या? पढ़। इसमें लिखा है कि औरतों का आदमियों के ऊपर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अपना नहीं, कल टीवी पर भी था इसी मुद्दे पर लेक्चर। लगता है मैडम जैसी और हो गई है 10-20 महिला सब इंस्पेक्टर। क्योंकि तू बिल्कुल ठीक कह रही हो, मम्मी जी का आजकल हर किसी के ऊपर ना जुल्म कुछ बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। और तेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही है। मुझ पर? तूने देखा नहीं थप्पड़ को रैपटा बोल बोल कर तेरे गाल पे कैसे बजाती रहती है? गोपी, गोपी, गोपी जो तू समझ रहा है वैसा नहीं है। अरे मैडम मुझे थप्पड़ थोड़ी ना मारती है। अरे ये तो उनके प्यार का हवाई जहाज है जो एक थप्पड़ की शक्ल लेकर बस मेरे गाल पर लैंड कर जाता है। मैडम तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे, बेइंतहा प्यार। अरे मैडम लगता है मैडम कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अरे आप समझते क्यों नहीं हो बाल्टी भर भर के? समझना ये है बाल्टी भर भर के कि तूने FIR किसके खिलाफ लिखवानी है? मेरी वाइफ के खिलाफ लिखवानी है बाल्टी भर भर के। क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे यार मजाक तो मैं बन गया हूँ। शादी होने के बाद वो बाल्टी भर भर कर मुझ पर जुल्म करती है, बाल्टी भर भर कर मुझ पर सितम करती है। और हद तो तब हो गई जब उसने मुझ पर यानी कि प्रीतम परदेशी के ऊपर बाल्टी भर भर कर थप्पड़ मारा। तुम आदमी जो है ना सारे आदमी घने बेवकूफ होते हैं। अरे औरत के प्रेम को जो है ना दुत्कार समझते हैं। औरत प्यार की पुतली हो वे। ओ हो हो हो, पुतली नहीं मिस्टर डाला, पुतली भाई कहिए। देखो भाई हो या भाई कुछ भी हो, पहले मेरी FIR लिखो बाल्टी भर भर के। रेस्ट कर ले इसने। चले। इसने कोई ना, इसने अरेस्ट कर। अरे मुझे क्यों? मेरे खिलाफ तो कोई FIR नहीं लिखी गई है बाल्टी भर भर के। ओहो, ओ बेटा इधर आ। मैं? ये क्यों मैडम ये? यो रैप्टा जो है ना, यो मैडम ने कोई ना मारा, यो मारा है इस आदमी ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे। मैंने कहा मारा है? मैं तो खुद चाटे की FIR लिखवाने आया हूँ बाल्टी भर भर के। लिख ली ना यार, देखो ये लिखी हुई है। बेटा FIR जो है ना वो तो थारी लिख ली गई है, पर थारे खिलाफ। लेके जा साले ने। अरे चल। औरत कभी आदमी पर जुलम ना करे, जुलम करे आदमी औरत पे। It's okay. She is fine, brat. I know, sir. चलो carry on. Okay. ये क्या है? अरे भाई तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें खिला देता हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे बीवी के हाथ का थप्पड़ खाकर अभी जिंदगी में कुछ खाने की इच्छा नहीं है बाल्टी भर भर के। तुम लोग भी यार कमाल करते हो। अरे यार इस थप्पड़ अप्पड़ को सीरियसली नहीं लेते। अरे तुम बताओ, तुम्हारी तो बीवी तुम्हें थप्पड़ मारती है ना? मेरी मैडम आए दिन चलते फिरते मुझे थप्पड़ मार देती है, लेकिन इससे क्या खास बात है यार? इन चीजों को इतना सीरियसली मत लो। अरे तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि तुम है ना शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी जानवर हो जानवर। अरे यार उस इंसान का जीना भी क्या जीना लल्लू, जिसमें आत्मसम्मान जैसी कोई चीज ही ना हो। अरे तुम्हारी जिंदगी तो जानवर से भी बदतर है बदतर। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा जन्म थप्पड़ खाने के लिए हुआ है? थप्पड़ खाना ही तुम्हारा नसीब है जी? लानत है तुझ पर लानत। अरे मुझे देखो, मुझे
बीवी के हाथ का एक थप्पड़ खाया तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ पर FIR लिखवाने चला आया। और तुम रोज मैडम के हाथ का थप्पड़ खाते हो फिर भी बेशर्म की तरह जी रहे हो, और वो भी बाल्टी भर भर के। बस दोस्त बस, अब मेरा स्वाभिमान जाग उठा है। आज तूने मेरे काल खोल दिए, मतलब मेरी आंखें खोल दी। एक यहां भी कुग्गी मार दो। ओके थैंक यू। मम्मी जी उस चाटे खोर का क्या करना है जी? पड़े रहने साले ने ठाणे में। अरे जो आदमी अपनी बीबी और जो अपनी होने वाली बीबी के साथ ऐसा करे ना, ना उसका तो यही हाल होना चाहिए जी बस। एक्सक्यूज मी मिस चौटाला, क्या है हम जान सकते हैं कि आपने वो डायलॉग हमारी तरफ देखकर क्यों बोला है? हाँ हाँ, तन्ने तो कुछ बेराई ना है। I don't know. अरे you are innocent. Of course. Like a child. Excuse me. मैडम मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि वो प्रीतम बेचारा बेकसूर है। उसने कभी अपनी बीवी को सताया ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी उसे हमेशा सताती आई है। ये तू क्या कर रहा है? तू होश में तो है? होश में तो अब आया हूं मैं गोपी। अब ये बकवास में और नहीं सहन करने वाला। अरे मेरा काल है, कोई वानखेड़िया स्टेडियम नहीं है कि घूमते फिरते जब मन आया तब प्रैक्टिस करके चले गए। आज ये मुलायम सिंह गुलगुले कसम खाता है कि वो अपने ऊपर कोई भी अत्याचार कोई भी जुल्म नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। मैं थारे ऊपर अत्याचार करती हूँ? बावड़ी पूछ, मैं तन्ने अपना समझ के मारती हूँ अपना। अच्छा तो मैडम काश आपने मेरे साथ साथ मेरे गाल को भी अपना समझा होता। नहीं, वो है गलत जो बात तुमने कही है गुलगुले, जैसा तुम समझ रहे हो मैडम वैसी नहीं है। हाँ गुलगुले हाँ, मम्मी जी से माफी मांग ले। अरे हट, शायद तुम लोगों का स्वाभिमान मर चुका है लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी भी जिंदा है। मैंने जो कसम खाई है उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। क्यों बात हो रही है? यो बात है तो सही है। मैं सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला ना तुम सबके सामने आज यो कसम खाती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए ना कुछ भी हो जाए बेटा गुलगुले, मैं जिंदगी भर तन्ने रैपटा कोई ना मारूंगी। That's fine. That's exactly what I want. Fine, fine. Thank you. Gulgule. भाई just between you and me, जब मिस चौटाला नाराज हो जाती ना तो काफी सेक्सी लगती है। ओए होए 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 होए, आठ बच्चों की माँ। रोए हो या बिल्कुल नहीं सोए हो? यार गुलगुले तुझे हुआ क्या है? खोकी ठीक कह रही है। क्या रात भर रोए हो? नहीं मैं रात भर सोया नहीं हूँ। क्यों भाई रात भर कहाँ थे तुम? सर आप पूछिए मत, सर पूछिए मत, मेरा हाल तो बेहाल हुआ पड़ा है सर। जिस तरह कोई इंसान नशा कर करके नशेड़ी हो जाता है ना, उसी तरह मैं थप्पड़ खा खा कर थपेड़ी हो चुका हूँ। मुझे थप्पड़ों की जरूरत है सर। कल रात पूरी रात बिना थप्पड़ खाए मैं सो नहीं पाया सर, सो नहीं पाया। मेरा ये गाल है ना सर, वाइब्रेट करता रहा और मुझे लगा कि मैडम अब आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, मैडम आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, लेकिन नहीं सर मैडम आई नहीं और मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा। सर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है सर। सर प्लीज मुझे थप्पड़ खिलवाइए वरना मैं मर जाऊंगा सर, मर जाऊंगा। यार समस्या इस काफी गंभीर भाई, ये लत भी जो है ना बड़ी जालिम चीज है, एक बारी लग जाती है ना
खाली निकलने का नाम नहीं लेती है। अब हमें देख लो, रात को पिए बगैर हमें नींद कहाँ आती है? है जी? दूध पिए बगैर? अरे भाई आए मैं मिल्कमैन। लेकिन सर जी अब इसका क्या करें? नहीं, इसके संकट को इसके सर से उतारते हैं, हम सब मिलके इसको एक एक थप्पड़ मारते हैं। गुड आइडिया। मारिए मुझे थप्पड़, मारिए, शायद उससे मुझे सुकून मिल जाए। मारो मारो मुझे। सॉरी मारिए सर, मारिए। तुम लोगों की थप्पड़ में वो मर्दों वाली बात नहीं है जो मैडम की थप्पड़ में है। सर आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सर मुझे मैडम से थप्पड़ खानी है। सर मुझे मैडम से थप्पड़ खिलवाइए सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं उस प्रीतम परदेसी से निपट कर आता हूँ, उसकी वजह से ये सब हुआ है। प्रीतम। ओह। स्ट्रांग हैंड्स। थैंक यू सर। नीच। नालायक। अरे वाह वाह वाह। बेवकूफ। सलाह की वजह से मैं लुट गया, पर पहुंच गया मैं। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ सकता हूँ तुझे बाल्टी भर भर के। नहीं समझ सकता तू दोस्त, तू नहीं समझ सकता, तू ये नहीं समझ सकता कि मैं रिश्वत खाए बिना जी सकता हूँ, लेकिन थप्पड़ खाए बिना मैं नहीं जी सकता। नहीं नहीं। देख मेरी आंखों में, देख मेरी आंखों में देख। अरे मैं भी रात भर नहीं सो पाया, मुझे भी ना अपनी बीवी के मुंह से गालियां सुनती है। मैं गाली खोर हो चुका हूँ, प्लीज मुझे गाली सुनाओ, मुझे गाली सुनाओ। I'm sorry मेरे दोस्त, I'm sorry, है ना कि हम दोनों एक ही टांगे पर सवार हैं। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे मेरी बीवी के मुंह से गालियां सुनने दे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बाल्टी भर भर के। नहीं दोस्त नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तुझे तो अभी जीना है, अपनी बीवी की गालियां सुनने के लिए तुझे जीना है। जा दोस्त, जा जा, तू आजाद है दोस्त, जा अपने बीवी के पास जा और गालियां सुन, और गालियां जब सुनेगा ना तब इस दोस्त को याद जरूर करना। जरूर याद करूंगा, बाल्टी भर भर के याद करूंगा दोस्त। थैंक यू वेरी मच। एक गाली देना प्लीज दोस्त, एक गाली दे मुझे कुत्ते। किसके बाप की परमिशन से तूने उस आदमी को छोड़ दिया? अपने दिल की परमिशन से मैडम। थारा दिल थारा सीनियर अफसर हो रहा है कि मैं हो रही हूं? भाई इस लिहाज से इस थाने के सीनियर अफसर हैं हम, इसलिए हमारी अथॉरिटी के अंदर गुलगुले ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर। हाँ मैडम, रुक क्यों गई मैडम? मारिए ना मैडम, आपका मन कर रहा है मारने का तो मारिए ना मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मारिए मैडम, मुझे मारिए, ये मेरा गालियां है मैडम, प्लीज मारिए ना। मारेगी, देख मारेगी, मुझे मारिए मैडम प्लीज। मैडम मुझे मारिए, मैंने गलत काम किया मैडम, मैंने गलत बात बोली है मैडम, प्लीज मारिए मुझे मैडम, मारिए, ये रहा मेरा गाल मैडम, ये रहा मेरा गाल, देखिए मेरा गाल पुकार के कह रहे हैं, मारो मुझे मैडम प्लीज, मारिए, हाँ मारिए मैडम, मारो मुझे। देखा सर आपने, बस यही दिन देखना रह गया था,
कि मैडम मेरी आंखों के सामने किसी और को थप्पड़ मारकर चली जाए बस। अरे कम से कम मेरी आंखों के सामने तो ना मारती। लेकिन सर इससे एक बात साफ हो जाती है कि मैडम की थप्पड़ खाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, मतलब जो दाल चाहिए ना, वो सिर्फ गुलगुले के पास है, सिर्फ गुलगुले के पास। सर कुछ कीजिए ना सर, सर कुछ कीजिए, मुझे मैडम का एक थप्पड़ खाना है सर, प्लीज प्लीज एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, किसी तरह खिलवा दीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। क्या कर रहा है, गीला कर रहा है, टंग से निकल गया था सर थोड़ा। लेकिन सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, एक थप्पड़ सर किसी तरह, एक थप्पड़ खिलवा दीजिए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। Sir, come on, sir, please do something for me, man. Yeah, do something for me, dude. You gotta do something for me, man. You're my friend, yeah. Yeah, respect, brother. Respect you, brother. Please. कुछ करना ही पड़ेगा यार. Gulgulay. क्या कर रही है? हम आपसे बात करने आ रहे हैं और आप हमें मार रही है। देखिए हम नोटिस कर रहे हैं कि वो गुलगुले आपसे बिना थप्पड़ खाए मर रहा है और आप भी उसे बिना थप्पड़ मारे मर रही हैं। अरे आप उसे माफ क्यों नहीं कर देती यार? मक्खन सिंह ना मैं घड़ी परेशान हो रही हूँ, ज्यादा चू चपट करके मारा दिमाग खराब किया ना तो मैं तुमने क्या क्या कर लेंगे आप? नहीं नहीं अरे 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 ऐसे कैसे आप छोड़िए ना मैं, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, देख मिस्टर डाले आपको नहीं मारना, उसे मत मारिए, हम क्यों भाई बीच में, आई डोंट हैव टू माइंड। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए मैडम। मैडम मैंने आपके प्यार को तिरस्कार समझ लिया मैडम, ये मेरी गलती है मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और एक थप्पड़ मार दीजिए प्लीज मैडम प्लीज। ना गुलगुले तूने मारे दिल ने घनी ठेस पहुंचाई है, मैं तन्ने कभी रैप्टा ना मारूंगी। मम्मी जी आप तो इसको मार ही दो जी। नहीं हम सबकी मानी अर्ज, इसको माफ करने में क्या है हर्ज? ना हर्ज तो थारी सुताई करने में भी कोई ना हो रहा। अरे तुम सब मारी एक बात अपना कान खोल के सुन लो ना, इस आदमी ने मैं जिंदगी भर कभी रैप्टा ना मारूंगी, यो मारी सौगंध है, कसम है मारी। अबे जा जा, तुझसे चाटा खाना चाहता कौन है, समझती क्या तू अपने आप को, बिना शीशे का बाथरूम है तू, बाथरूम चौराहे पर लगा हुआ वो गंदा सिग्नल है तू, जिसे कोई देखना तक नहीं चाहता। मधुसिनी अरे रावण भी तुझसे शादी नहीं करेगा, जा रावण भी। अरे हट मेरे सामने से ताड़ का झाड़, बिना पर्दे का थिएटर, औरत के रूप में चलता फिरता आदमी, कुतुब मीनार की सौतेली बेटी, हट। मैडम आपने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा सर, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा दोस्तों, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, ये सब मैंने आपको उकसाने के लिए कहा था मैडम, प्लीज आई एम रियली सॉरी मैडम, मैडम ने मुझे थप्पड़ मारा। मैडम अब मेरी आपसे सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है मैडम, मुझे एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम प्लीज, मैडम प्लीज एक और थप्पड़ मैडम, एक तो आपने मार ही दिया ना मैडम, प्लीज एक और मार दीजिए मैडम, मैडम आपको आपके हाथ और मेरे गाल के अटूट संबंधों का वास्ता मैडम, प्लीज एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम, मार दीजिए ना प्लीज एक और थप्पड़ मार दीजिए मैडम प्लीज, मैडम प्लीज मम्मी जी मारी दो जी। हाँ मैडम मारिए ना प्लीज जी जी, चलिए चलिए मारिए चलिए मारिए 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 मारिए।